अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जी आई टी सर्जरी के अंदर आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा आसान है। सो आज हमने स्प्लीन वाला चैप्टर पढ़ना है। अब इसमें से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर जो स्प्लीनेक्टमी है, यानी इफ़ अगर एक पेशेंट की मैं स्प्लीनेक्टमी परफॉर्म करती हूँ तो क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी कि उसका इतना मेजर ऑर्गन मैंने बॉडी से रिमूव कर दिया। आपको पता है स्प्लीन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इम्यून फंक्शन है, रिजर्वायर फंक्शन है, और उसके अलावा इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं RBCs का। तो हमने स्प्लीन क्यों रिमूव किया, यानी इसकी इंडिकेशंस क्या थी, वो आपको अच्छे आने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब हम स्प्लीन रिमूव करते हैं तो उसकी एक बहुत मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, वो है ऑपरचुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टिक इन्फेक्शन। यानी स्प्लीन रिमूव करने के बाद कुछ स्वेयर इन्फेक्शन हैं जो कि स्प्लीन इम्यून फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मेजर लार्जेस्ट रेटिक्यूलो एंडोथीलियल एक्यूमुलेट है बॉडी के अंदर, तो ये जब ख़त्म हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं। अब आपसे पूछते हैं ये इन्फेक्शन किन स्पीशीज़ की वजह से होता है, तो आपने याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकल, मेनिनजोकोकल और न्यूमोकोकल। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछते हैं कि आप इसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो हम प्रिवेंट इस तरह से करते हैं कि अगर हमने किसी की सर्जरी जो है डिज़ाइन की हुई है कि 10 तारीख को करनी है या 20 तारीख को करनी है, तो सर्जरी से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमने इन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उसकी वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट इमरजेंसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आता है और तब मुझे स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ी है, तो फिर मैं क्या करूँगी, घर भेजने से पहले उसको ज़रूर वैक्सीन लगा दूँगी। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। बाकी स्प्लीनेक्टमी की अदर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी पूछी जाती हैं। सो स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन और इस कॉम्प्लिकेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इसकी प्रिवेंशन पूछी जाती है। मैं भी आपको पास पेपर्स दिखा देती हूँ, बहरहाल हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्प्लीन की बात करते हैं। वो कहता है कि स्प्लीन जो है ये हमारा एक जो कप्ड हैंड होता है उसके साइज़ के बराबर, आप कप्ड हैंड पता नहीं किसको कहते हैं, बंद मुट्ठी को कहते हैं शायद, तो ये उसका क्या है, तकरीबन उसके बराबर होता है। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो जो लेसर सैक होती है उस लेसर सैक की लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी स्प्लीन से बनती है, ठीक है। स्प्लीन के अंदर आपने बेटे 2 इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। एक लिगामेंट जो है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, यानी नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट क्या करता है, स्प्लीन को स्टमक के साथ जोड़ता है। दूसरा हमारे पास होता है लीनोरीनल लिगामेंट। लीनोरीनल लिगामेंट क्या करता है, स्प्लीन को पोस्टीरियर वॉल, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्प्लीन ना, तो आगे स्टमक के साथ जोड़ता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक, और पीछे एब्डोमिनल वॉल के साथ जो जोड़ता है दैट इज लीनोस्प्लीनिक, ठीक है। सो गैस्ट्रोस्प्लीनिक क्या करता है कि स्प्लीन को कनेक्ट करता है विद द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और ये स्प्लीन को कनेक्ट करता है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है इसके अंदर मौजूद होता है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और उसके अलावा गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। और इस तरफ जो है लीनोरीनल लिगामेंट, इस लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर 20 स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं और उसके अलावा जो पेनक्रियाज है उसकी टेल मौजूद होती है, ठीक है। अब हम लोग स्प्लीन के फंक्शंस की बात करेंगे। थोड़ी सी इसने एनाटमी को यहाँ पे दोबारा टच किया हुआ है, एनाटमी को हेड के ही टच किया हुआ है, यही बात बोली हुई है कि आपने याद रखना है कि स्प्लीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ए लार्जेस्ट रेटिक्यूलो एंडोथीलियल एक्यूमुलेट है, लार्जेस्ट रेटिक्यूलो एंडोथीलियल एक्यूमुलेट है इन द बॉडी, यानी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कौन होता है, जो फेगोसाइटोसिस करता है, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपने याद रखना है कि इसके पास जो है वो एक थिन सा फाइब्रस कैप्सूल होता है, और ये थिन फाइब्रस कैप्सूल जो है उसको एडहेरेंस प्रोवाइड करता है विद द पेरिटोनियम। उसके अलावा ये जो कैप्सूल है इसका बेटे जो फाइब्रस टिशू है ना, उस फाइब्रस टिशू की ऐसे एक्सटेंड होकर कुछ ट्रबिकुलाए बने हुए होते हैं और उसके बीच में स्प्लीनिक बल्ब होते हैं, लेकिन उसके हमने डिटेल यहाँ पे नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस स्प्लीन के क्या है, नंबर 1 फंक्शन आपने याद रखना है कि ये मेजर साइट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडीज का मतलब है इसके क्या है, इम्यून फंक्शंस हैं, और उसमें भी हमने कहा कि IgM की प्रोडक्शन के लिए ये मेजर साइट है। नंबर 2 हम कह रहे हैं कि ये क्या भी करता है, फिल्ट्रेशन जो है वो इसके अंदर हो रही होती है, स्प्लीन तमाम जैसे RBCs इसमें से गुजर रहे होते हैं तो जितने भी अब नॉर्मल RBCs है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ये प्लेटलेट्स ये फिल्टर कर देता है ब्लड
को. सो जितने भी बनॉर्मल RBCs हैं या प्लेटलेट्स हैं उनको क्या करता है, फिल्टर करता है. जैसे वो एक सफीरोसाइटोसिस जिस पे स्फेरिकल RBCs होते हैं तो वो इसके अंदर फिर फंस जाते हैं और उनकी हिमोलिसिस होती रहती है. उसके अलावा वो कहता है कि ये एज ए रिजर्वायर के तौर पर भी एक्ट करता है. तकरीबन 8% बॉडी के जो रेड सेल्स हैं, रेड सेल मास जो है वो इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है. और साइटोप्योसिस ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ जो है इसके अंदर आपकी ब्लड सेल्स की सिंथेसिस भी होती है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ स्प्लीन, जो कि आसान की बात है, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं था. अब एक कंडीशन छोटी सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे. एक छोटी सी कंडीशन है बेटे जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोमैक्युलाई. क्या कहते हैं हम इसको? स्प्लीनोमैक्युलाई. ठीक है, अब इस स्प्लीनोमैक्युलाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सेसरी स्प्लीन. एक्सेसरी स्प्लीन का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा स्प्लीन प्रेजेंट है, मोर देन वन स्प्लीन जो है प्रेजेंट है. अब जब ये मोर देन वन स्प्लीन है, ये सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं और डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट हो सकती हैं. जैसे एक्सेसरी हमने देखा था निप्पल्स थी या एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, 10-30% पॉपुलेशन के अंदर वो कहते हैं ये पाई जाती हैं. अब ये जो सिंगल या मल्टीपल एक्सेसरी स्प्लीन्स हैं ये कहाँ पे पाई जा सकती हैं? वो कहते हैं नियर द हाइलम ऑफ स्प्लीन, यानी जो नॉर्मल स्प्लीन है उसके हाइलम के इर्द गिर्द पड़ी भी हो सकती हैं. बिहाइंड द टेल ऑफ द पेनक्रियास, यानी आपकी जो पेनक्रियास है उसकी टेल के बिहाइंड भी ये जो हैं पड़ी भी हो सकती हैं. साथ ही अगर हम देखेंगे तो मीजोकोलोन या स्प्लीनिक लिगामेंट. ठीक है, सो मीजोकोलोन है या जो स्प्लीनिक लिगामेंट है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो स्प्लीनोमैक्युलाय है इनकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट की आपने स्प्लीनेक्टमी, SPLEN, स्प्लीनेक्टमी, अच्छा कभी कभी कहते हैं मुझे इतने आसान चीज़ों के स्पेलिंग नहीं आते. सो स्प्लीनेक्टमी के अंदर जो है वो इनकी सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस इनकी किस तरह से है? अगर तो मैंने एक बंदे की स्प्लीन इस वजह से रिमूव कर दी है कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और कोई ब्लंट ट्रोमा हुआ और उसमें जो नॉर्मल स्प्लीन थी, बॉडी में कोई और पैथोलॉजी नहीं थी, जो नॉर्मल स्प्लीन थी वो मुझे रिमूव करनी पड़ी है. ठीक है, क्योंकि वो डैमेज हो गई थी. तो इस कंडीशन में फिर जितनी भी ये जो एक्सेसरी स्प्लीन्स हैं ये बड़ी अच्छी साबित होंगी. मैं इनको रिमूव नहीं करूँगी और जो नॉर्मल स्प्लीन मैंने रिमूव कर दी है उस नॉर्मल स्प्लीन का जो फंक्शन है वो ये एक्सेसरी स्प्लीन परफॉर्म करती रहेंगी और मैं इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई जैसे हीमोलिटिक डिसऑर्डर है, कोई हिमोलिसिस का डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर स्प्लीन क्या करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इस कंडीशन में जब मुझे स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी तो मैं इस बात को मेक श्योर करूंगी कि जितनी भी एक्सेसरी स्प्लीन्स हैं मैं वो भी रिमूव कर दूं, क्योंकि जब मैंने नॉर्मल स्प्लीन रिमूव कर देनी है तो ये नॉर्मल की जगह काम करेंगी और जब ये नॉर्मल की जगह काम करेंगी तो RBCs को ये तोड़ना शुरू कर देंगी तो फ़ायदा तो नहीं होगा. सो जब हम थेरापूटिक इंडिकेशन के लिए स्प्लीनेक्टमी करते हैं तो हमने एक्सेसरी स्प्लीन को भी रिमूव करना है. लेकिन अगर ये एक्सीडेंटली हमें करनी पड़ी है तो फिर हम एक्सेसरी को रहने देते हैं, क्योंकि फिर वो क्या करता है, हमारे लिए अच्छा काम परफॉर्म करता है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज है हाइपरस्प्लीनिज्म और फिर स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशंस हैं. हाइपरस्प्लीनिज्म नाम से हमें पता चल रहा है, हाइपरस्प्लीनिज्म का मतलब है कि जब आपकी स्प्लीन क्या है, एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें स्प्लीनिक एनलार्जमेंट हो जाती है. ठीक है, सो हाइपरस्प्लीनिज्म नाम से हमें पता चल रहा है क्या हो जाएगी, स्प्लीनिक एनलार्जमेंट हो जाएगी. एंड डिफिशेंसी ऑफ वन और मोर सेल लाइन, जब स्प्लीनिक एनलार्जमेंट है तो इसके साथ क्या होगा, या तो अनीमिया होगा या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा या फिर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ल्यूकोपिनिया होगा, यानी या तो RBCs कम है या प्लेटलेट्स कम है या ये कम है. ठीक है, कंपनसेटरी बोन मैरो, इनकी वजह से फिर कंपनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया. तो हमने कहा स्प्लीनिक एनलार्जमेंट होगी, कोई सेल लाइन कम होगी, जिसकी वजह से पीछे क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया. एंड देन जो है हमें इस पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी और जब हम इसकी स्प्लीनेक्टमी करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि अगर आप एक पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी करना चाहते हो, बट इतनी आसान से इंडिकेशंस हैं, आप उसकी स्प्लीनेक्टमी क्यों करना चाहते हो? अब ये जो क्यों करना चाहते हो ना, इसके अंदर बहुत सारी रीजन है. सबसे मोस्ट कॉमन रीजन तो ट्रोमेटिक रीजन है ना, यानी ट्रोमा हो गया और ट्रोमा की वजह से स्प्लीन जो है वो डैमेज हो गई है. ठीक है, सो नंबर वन हमारे पास क्या है, कोई भी ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हुआ है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हो गया. ठीक है, या फिर आइट्रोजेनिक इंजरीज हुई हैं. आइट्रोजेनिक का मतलब ये है कि आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे थे और आपने अंदर क्या किया, स्प्लीन को डैमेज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, आप कोलेक्टमी कर रहे
रहे थे या पैरा ईसोफेजियल, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे थे, कोलेक्टमी कर रहे थे या पैरा ईसोफेजियल हर्नियल रिपेयर कर रहे थे, या फिर आपने क्या किया हुआ है, नेफ्रेक्टमी की हुई है या फंडोप्लाइकेशन एक प्रोसेस था जिसमें हम क्या करते हैं फंडोस्कोपर ईसोफेगस के इर्द गिर्द ऐसे जाकर रोटेट कर देते हैं ताकि जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन इंक्रीज हो जाए और गर्ड ना हो जाए, है ना, ठीक है, ओके। सो ट्रोमा जो है वो स्पिनेक्टमी की इंडिकेशन है। नंबर टू हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को आरबीसीज का कोई भी डिसऑर्डर है, चूँकि आरबीसीज का ब्रेकडाउन वहाँ होना है, सो आरबीसीज का कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर है या एक्वायर्ड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एक्सेसिव हिमोलिसिस होती है इन द स्प्लीन, तो हम स्प्लीन को निकाल देते हैं। हेरिडिटरी में बेटे हेरिडिटरी सिफेरो साइटोसिस हो सकता है, इसी तरह हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो सकता है और थैलेसीमिया हो सकता है। एक्वाइर्ड में क्या होता है, एक्वाइर्ड में कौन सी हिमोलिसिस होती है, यस जो ऑटो इम्यून है या जो आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, सो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया अगर हो जाए तो उसके अंदर हम क्या करते हैं आरबीसीज जो है उसका ब्रेक अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्पिनेक्टमी कर देते हैं। इसी तरह आपने याद रखना है, सो हमने कहा ट्रोमेटिक है, आरबीसीज है, अब हम करेंगे कि जी कोई डब्ल्यूबीसीज का मसला है और फिर हम कहेंगे कि जी कोई प्लेटलेट्स का मसला है। सो सेल लाइन की मसलों के अंदर हम स्पिनेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसीज का क्या प्रॉब्लम हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई भी इसका कैंसर है जैसे कि लिम्फोमा है, और इसमें स्पेशली अगर हॉजकिन लिम्फोमा या हॉजकिन डिजीज़ है या माइलोफाइब्रोसिस है या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है तो भी हम क्या करते हैं स्पिनेक्टमी कर सकते हैं और करते हैं। प्लेटलेट में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक आईटीपी या टीटीपी है तो हम लोग कर देते हैं और रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। या फिर वो लास्टली कहता है कि कुछ मिसलिनियस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, मिसलिनियस कॉजेज़ भी होते हैं जब हमें स्पिनेक्टमी करनी पड़ती है। मिसलिनियस कॉजेज के अंदर हम कहते हैं कि अगर हाइरेटेड डिजीज़ है, ठीक है, और हाइरेटेड सिस्ट बन चुकी भी है, हमने कहा मोस्ट कॉमनली वो लिवर पे बनती है लेकिन स्प्लीन पे भी बन सकती है क्योंकि वो मूव करके कहीं पे भी जा रहा था ट्रोपोसाइट, सो सिस्ट बनी हुई है। या फिर स्प्लीन के अंदर अगर हम देखेंगे एब्सेस मौजूद है या हम देखेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन है तब हमें स्पिनेक्टमी साथ करनी पड़ती है, या स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म है तो भी हम स्पिनेक्टमी प्रोफिलेक्टिकली कर देते हैं इससे पहले वो रप्चर करे। तो दीज आर द इंडिकेशंस फॉर स्पिनेक्टमी। तो स्पिनेक्टमी हमने कब कब करनी होती है कि जब कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर है आरबीसीज का या एक्वायर्ड है डब्ल्यूबीसीज का कोई है, लेटलेट्स का है, मिसलिनियस है या मोस्ट कॉमन ट्रोमेटिक कॉसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम स्पिनेक्टमी करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन है और कैसे प्रिवेंट करनी है।